दोनों ने हमें घर से निकाल दिया, क्या करें, दोनों बेटों ने। हम बड़े के पास थे ना, तो बड़ाला कहने लगा बहू कि आप उसके पास जाइए छोटे पास। फिर छोटे पास गए तो उसने कहा बड़े पास आइए, हम कैसे करते हैं, उन लोगों को कर नहीं सके ना, कवर क्लॉम कर ले। उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। अब हमने बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। सो हमारे शौहर का इंतकाल हो गया था 50 साल हो गए उनके इंतकाल को। तो फिर उन लोगों ने ये किया, तो फिर हमने इधर इस तरफ हम निकले, तो हमने आगोश की तरफ के हमारे लोगों को शहर को अल्लाह ने हमें ये घर दिला दिया बेटा। तो हम इसके अंदर आजम ने करा इन लोगों से कहा था वो तुम्हारी कहानी दुखी भी। क्या कहते बब्बे थी ना, दोनों ऐसी थी कि वो हमारे बच्चे अच्छे थे लेकिन वो लड़कियाँ नहीं अच्छी थी। उन लोगों ने उससे हमको बेटों से मिलने ही नहीं दिया। शादी करी हमने, सबके पोता पोती हो गए दोनों बच्चों के सबके, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने शुरू करी। बस हमारे शौहर की आँख बंद हुई है कि हम वहाँ मुसीबत आ गई। ना मिलना चाहते हैं, ना उनकी शक्ल देखना चाहते हैं, ना वहाँ कुछ चाहते, जहाँ वहाँ से ज़्यादा मैं जा सकूँ। वो औलादें जो अपने वालिदैन को अपने घरों से निकाल देते हैं, ख़ास तौर पर माओं को, माँ जैसी हस्ती को जिनके कदमों तले जन्नत है, ये सब लोग जानते हैं, वो सिर्फ अपना बुढ़ापा सोच लें कि एक वक्त उन पर भी आना है, यही वक्त उन पर आएगा तो सेम यही चीज़ उनके साथ भी दोहराई जाएगी। हम तो पूरा साल ही ऐसा कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो भी ख़वातीन यहाँ पर हैं उनको अपने किसी भी रिश्ते की कमी महसूस ना हो। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि उनको अगर उनकी औलाद ने यहाँ छोड़ दिया है और जो खुशियाँ उनकी औलादों ने या माशरे ने उनसे छीन ली है, जो उनका हक था, हम उन्हें उससे भी ज़्यादा खुशियाँ यहाँ फराहम करते हैं। कोई भी डे हो, अगर मदर डे है तो हम ख़ास तौर पे यहाँ पे केक कटिंग होती है, सेलिब्रेशन होती है मदर डे की। अगर 14 अगस्त होता है तो उसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाते हैं, और हमारी जो माएँ हैं उन वही माएँ परफॉर्मेंस भी देती हैं और इतनी शानदार परफॉर्मेंस देती हैं ताकि उन्हें होमली इन्वायरमेंट मिले, उन्हें ये महसूस हो, एक तो यकसानियत ना महसूस हो, दूसरे उनको हम मसरूफ़ रखते हैं ताकि वो अपने गमों को भूल जाएं। अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उन्हें प्यार और मोहब्बत से अपने पास रखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने औलाद को पाला पोसा बड़ा किया, तो उन्हें यही उम्मीद होती है कि वो हम भी अपने औलाद के सहारे ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर जिनके साथ ऐसा नहीं होता तो वो अफसोस की बात होती है। कितने वो दुख में आते हैं, तकलीफ़ में आते हैं। अब यहाँ भी जो सब हैं वो बहुत से ऐसे ही हैं बेचारे, जो माँ बाप औलाद ने उनको छोड़ दिया। तो मेरा बस यही पैगाम है बेटा कि औलाद को अपने माँ बाप से मोहब्बत प्यार और एहतराम इज्जत से उनको अपने रखना चाहिए, जैसा उन्होंने उनके साथ मोहब्बत और इज्जत से उनको बड़ा किया पालन पोसा। बहुत याद आती है बेटी की, बच्चे से 6 साल हो गए मुझे यहाँ रहती तो याद आती कि बेटी बेटा भावें कितना इंसान खुश रखे फिर भी अपनी लात चापनी होती है। हमारी बेटी नहीं कहते हमारी बेटी है, देखा मैडम हमारी बेटी है, ये हमारे को अपनी बेटी से ज्यादा समझती है। दुनिया माँ से कायम है, औलाद है उनकी, उनके अच्छी तरबियत दें, सेहतमंद बनाएं, अच्छी तालीम दें और अपना ख्याल करें, अपनी इज्जत करवाएं, अपना वो बता अपना बताएं और उनका अपने इज्जत करवाएं, यही होता है। और माँ तो तकरीबन सब बच्चों के लिए यही करती हैं।